sir, what really made you to be part of Budle here too, and how was the experience being part of the project? Feels wonderful being a part of Bulbulaya. Bulbulaya first itself was a very fantastic film. Priyadarshan ji is an amazing director, or Akshay, Vidya, they were out of the world. What performances, amazing songs, and the film became such a huge success. And Bulbulaya 2, people fortunately didn't forget Bulbulaya 1 after 14 years also. They still remember, and I think that's what worked in our favor. The name itself, Bulbulaya 2, of course, and songs. Songs जो हमारे हैं मेरे ढोलना एंड हरे राम हरे कृष्णा और अंजुली का मंजुली का दिस फैक्टर वॉज द सेम अदरवाइज द स्टोरी वॉज कम्प्लीटली न्यू नथिंग लाइक द फर्स्ट वन दैट्स वॉट आई थिंक वर्क इन आवर फेवर एंड बींग ए पार्ट ऑफ सच अ लवली फ्रेंचाइज फेल गुड जो सीक्वल का फॉर्मेट है ये कितना ज़्यादा आपको जेन्युइनली लॉजिकल लगता है और एक दूसरे एक्टर के साथ सपोजली आर एक्टर हुआ है मेगा सक्सेसफुल सीक्वल और फिर दूसरे सीक्वल में दूसरे एक्टर को पास करना वो कहाँ पे लॉजिकल लगता है इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सीक्वल इट्स अ फ्रेंचाइज आई थिंक थोड़ा फर्क है इसमें मैं मानता हूँ कि वो इट्स नॉट एग्जैक्ट द स्टोरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड न्यू एक कहानी पहले से पूरी अलग है कोई रिलेशन नहीं है दोनों में टाइटल जैसे मैंने कहा सेम है बुलबुलैया बट जो टेक है एज ए डायरेक्टर का जो टेक है वो पूरा अलग है और क्यों नहीं अगर वेन ए कंपनी फील्स के उनका ये जो प्रोडक्ट है वो दोबारा यूज़ हो सकता है एक नए फॉर्मेट में नए स्टाइल में और सक्सेसफुल हो सकता है तो आई थिंक उन्होंने जो सोचा वो सही था आज बुलबुलैया 2 भी सक्सेसफुल हो गई है तो वट एवर दे थॉट वॉज राइट एंड इट्स वर्क्ड यू नेवर नो 3 भी आ जाए फ्यूचर में तो सर ये पैंडेमिक में ये शूट करना उसके बाद अब रिलीज होना ये कितना डिफिकल्ट था हाँ डेफिनेटली डिफिकल्ट तो था जब 2020 में हमने शूटिंग शुरू की थी इसकी तो अगस्त 31 को 2020 में रिलीज़ करने का प्लान था तभी बहुत ज़्यादा बस था इसका फिल्म का बुलबुलैया को लेकर बहुत बड़ा बस था कि अगस्त में आ रही पिक्चर लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने शुरू किया उसके 20-25 दिन शूटिंग में ही हमारा लॉकडाउन लग गया शूटिंग बंद हो गई 6-7 महीने तक कोई शूट नहीं कर पाया उसके बाद सारी डेट्स सबकी यहाँ वहाँ उथल पुथल हो गई उसके बाद मैंने मुल्की सीरियल पकड़ लिया मुल्की सीरियल शुरू हो गया मेरा उसके बाद कार्तिक तब वो सबकी डेट्स बिखर गई उसके बाद जब डेट्स मिली 2021 मार्च में तो मुझे कार्तिक को और काफ़ी लोगों को हमारे सेट पे COVID-19 पॉजिटिव आ गए हम लोग सब तो फिर शूटिंग रुक गई उसके बाद अल्टीमेटली वो तब तक तो वो 1.5 साल 1.5 साल निकल चुका था फिल्म को शुरू किए उसके बाद लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में फाइनली सबकी डेट मिली और नॉन स्टॉप 1.5 महीना हमने शूट किया और तब जाके फिल्म कंप्लीट हुई है और तब हमें ऐसा लगा कि शायद वो बज़ कम हो गया हो शायद लेकिन जब PR शुरू हुआ फिल्म का तब फिर से वो बज़ और बड़ा हो गया था और आज फाइनली जब फिल्म रिलीज़ हुई तो थैंक गॉड इट्स वर्क काफ़ी प्यार मिला सर आपके रोल को ठाकुर साहब के और उसके बाद कियारा मैम के साथ कार्तिक आर्यन के साथ ये सब आपकी केमिस्ट्री कैसे थी आपको ब्रिलियंट था मेरा कार्तिक के साथ तो बहुत अच्छा इक्वेशन था वी वर टॉकिंग लाफिंग यू नो बातें हम लोग बहुत करते थे सेट के बीच में शॉट्स के बीच में तब्बू के साथ मेरे काफ़ी सीन्स थे तब्बू के साथ मेरे काफ़ी अच्छे हमारे सीन्स हुए हैं और स्पेशली अनीस भाई के साथ जब अनीस भाई सेट पे होते थे तब अनीस भाई अपनी बहुत सारी पुरानी फिल्मों की बातें इंडस्ट्री की बातें करके इतना हंसाते थे हमको उनके एक्सपीरियंसेस अनीस भाई ने तो 60 से ज़्यादा फिल्में लिखी हैं जो सुपर हिट्स हैं उन्होंने इतनी सारी सुपर हिट फिल्में डायरेक्ट करी हैं तो अनीस भाई का तजुर्बा सबसे ज़्यादा था इसमें अनीस भाई एक लेजेंड है अपने आप में और इतने बढ़िया उमदा डायरेक्टर हैं जो इतना एक्सपीरियंस उनको है कि उनसे बातें हम सुनते थे तो इतना हम सीखते थे सुन सुन के तो बहुत मज़ा आता था काम करने का उनके साथ वो जो हंसाते थे राजपाल और संजय मिश्रा जब सेट पे थे तो मतलब सोने पे सुहागा था तभी इतना इतना लोग काम को साइड पे रख के इतना हंसते थे और हिलेरियस माहौल होता था एक बहुत ही हंगामा होता था सेट पर तभी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था बोल बुलाएगा अब लग रहा है कि फिल्म ख़त्म हो गई शूटिंग खत्म हो गई लास्ट दिन था हमने 24 घंटे काम किया लास्ट दिन पे फिल्म की शूटिंग लास्ट दिन पे 24 घंटे काम किया था तो उस वक्त थोड़ा सा सैड माहौल था और लग रहा था कि शूटिंग ख़त्म हो रही है लेकिन एक तरह से हम खुश भी थे कि इतने लंबे अरसे के बाद फाइनली शूट ख़त्म हो रहा है और दुखी भी थे क्योंकि फिर सब पता नहीं कब मिलेंगे अभी तक का जो आपका अनुभव रहा है
सर डिफरेंस वैसे कुछ नहीं है. वैसे आजकल तो ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया इतना हावी हो गया सब पे कि एक दुनिया छोटी हो गई है. लोग इतने अवेयर हो गए हैं गुड कंटेंट को लेकर कि ऑडियंस को बेसिकली टीवी में हो, फिल्म में हो, ओटीटी में हो, कहीं भी हो, या आपकी रील्स क्यों ना हो इंस्टा की, लोगों को अच्छे कंटेंट देखने हैं, अच्छा काम देखना है. तो अच्छे काम को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में. तो एक कंटेंट इज़ द किंग वाली जो बात है वो आज बहुत ज़्यादा लागू होती है, पहले भी थी, लेकिन लोगों के पास आज इतनी चॉइस है कि अगर आप अच्छा कंटेंट लेकर नहीं आते हो तो अच्छे अच्छे स्टार्स की फिल्म भी नहीं चलती हैं, या टीवी हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो. तो कंटेंट इज़ द किंग. और आपको लगातार एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, आपको कंटेंट अच्छा लाना ही पड़ेगा टू सर्वाइव. सो मुल्की को काफ़ी प्यार मिला सर, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना? और सेकंड थिंग, व्हाट अबाउट मुल्की सीजन टू? मुल्की, यस, मुल्की जब हमने शुरू किया था तब एक अलग शो था, ऐसा शो था, ऐसा सब्जेक्ट था जब किसी ने आज तक टच नहीं किया, जबकि लोगों को पहले ही इसके बारे में कुछ बना देना चाहिए था. मोल से खरीदी हुई दुल्हन, ये एक बहुत ही नया टॉपिक था इंडस्ट्री के लिए, ना कभी फिल्म बनी है ना कभी टीवी पे सीरियल बनी है इसके बारे में, और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट था ये. जब शुरू किया तब हमें ये नहीं अंदाजा था कि ये बच्चों में भी फेमस हो जाएगा, ये शो छोटे बच्चों में. तो ये छोटे बच्चों में फेमस हुआ, बड़ों में भी हुआ फेमस ये. तो मेरे हिसाब से मुल्की काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और सीज़न टू की बातें चल रही हैं, लेकिन आई डोंट नो ये कब होगा, होना चाहिए मेरे हिसाब से. बिल्कुल, आज के दौर में टीवी आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई बड़ा शो ना हो, बड़ा किरदार ना हो, वो कितना चैलेंजिंग है. बहुत आजकल बहुत चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि आजकल आपके पास इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा, इतनी सारी चॉइसेस हैं, 40 तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और हिंदी अगर चैनल्स की बात करें तो 15-20 तो हिंदी मेन चैनल्स हैं, और एक एक चैनल पे करीब करीब एक दिन में 7-8 शो आते हैं प्राइम टाइम पे. तो आप गिन लीजिए 50-60 शो रोज़ के टेलीकास्ट होना अलग अलग चैनलों पे, इतना सारा ओटीटी पे कंटेंट होना, और उसमें अगर आपको जगह बनानी है अपनी, तो या तो शो बहुत ज़बरदस्त हिट हो जाए रातों रात, या आपका काम ऐसा अलग सा हो कि लोग आपको नोटिस कर लें. और एक बार, आजकल एक बार काम करने से आदमी फेमस नहीं होगा, आपको लगातार नॉन स्टॉप अच्छा कॉन्टेंट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते रहना पड़ेगा तब, क्योंकि इतनी सारी कंपटीशन, इतने सारे लोग, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे वेब शोज़, मूवीज़, मतलब ऑडियंस के पास तो आज इतनी चॉइसेस हैं जो 20 साल पहले नहीं थी. तो आज थोड़ा माहौल थोड़ा टफ है. दो फिल्में हैं जो अनाउंस होंगी अभी जून में, तो NDA है मेरा, तो आई विल वेट फॉर इट. दो और फिल्में अच्छे डेट के साथ, तो मैं, और एक टीवी शो है, लेकिन फिर वही बात होती है कि टीवी और फिल्म आजकल इतना डिमांडिंग हो गया है डेट वाइज के दोनों में से फिर एक किया जाए, नॉट बाय चॉइस बट, लेकिन क्या करें, क्योंकि जब मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर कि मुल्की के साथ साथ मेरे भूलभुलैया का शूट था, लेकिन वो डेट की मारामारी में पसीने छूट गए थे. तो आई थिंक फिल्म जो मेरी है अभी, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ. Just want to thank you for giving so much love to Bhulbhulaiya, liking me on big screen and accepting me in a big way. So thank you so much. Keep watching me, keep loving me, and all the best. Keep doing good work. Thank you so much. Thank you.